दादरी में जेजेपी प्रत्याशी सतपाल सांगवान के समर्थन में रोड शो निकाला गया, तो इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। तो वहीं नैना चौटाला जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिन ब दिन जेजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ ही उन्होंने जीत का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अजय सिंह की इस कर्मभूमि से ही सरकार की चाबी निकलेगी। तो जेजेपी की जीत का दावा करते हुए नैना चौटाला नजर आई, और आप देख सकते हैं इस वक्त लोगों की जो कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखा गया, तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब जेजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को जेजेपी शिकस्त देगी और प्रदेश में जेजेपी की ही सरकार बनेगी। तो चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई थी नैना चौटाला उनकी तरफ से, क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपने ही प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं। तो चरखी दादरी पहुंची हुई नैना चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो इस दौरान वो ये कहती हुई नजर आई कि जेजेपी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तमाम पार्टियों के लिए जेजेपी चुनौती बनेगी। अजय सिंह जी की कर्मभूमि है, और पहले भी मैं आती रही हूँ, मैंने हरी चुनरी चौपाल की है बाल्टा से, और ये लोगों का प्यार है जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के, और जनता का पूरा सपोर्ट है। आए दिन एक मैं तो चाबी कहूँगी कि डे बाय डे एक एक मेंबर जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, और आज जननायक जनता पार्टी का कुनबा जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। 3-4-5 दिनों में आज हम बहुत मजबूती से विधानसभा में जारी कर रहे हैं सारे के सारे।